दिल्ली में फ्लाई ओवर के नीचे पार्किंग और चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। दिल्ली NCR में खाली जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली NCR में अब फ्लाईओवर और अंडरपास के नीचे की जमीन का 100% इस्तेमाल किया जाएगा। निर्माण एजेंसी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस दिशा में काम कर रही है। फिलहाल जगह का चयन किया जा रहा है ताकि वहां पार्किंग और इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जा सकें। NHAI ने सभी बड़ी जगहों पर पार्क या फिर अपने दफ्तर बना रखे हैं, लेकिन अब पार्किंग और इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने के साथ यह सुविधाएं दी जाएंगी। यदि कहीं अतिरिक्त जगह उपलब्ध होगी तो वहां शौचालय और शीतल जलपान की व्यवस्था भी की जाएगी। उधर दिल्ली लोक निर्माण विभाग भी इस दिशा में काम कर रहा है। अंडरपास और फ्लाईओवर के नीचे खाली जगह को चिन्हित करना शुरू कर दिया गया है। राजधानी में मई के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों की शानदार बिक्री हुई। जिम और फूड कोर्ट की सुविधाएं भी दी जाएंगी। ई वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि उन जगहों पर पार्किंग बनाने में सड़क सुरक्षा के लिहाज से कोई परेशानी नहीं है, जहां चार्जिंग पॉइंट बनाएंगे ताकि लोग पार्किंग में वाहन खड़ा करते वक्त उसे चार्ज भी कर सकें। वहीं बच्चों के खेलने के लिए पार्क, जिम, फूड कोर्ट से लेकर अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।